मैथ का पेपर नज़दीक है। जब मैथ के पेपर वाले दिन हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें जो सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अच्छा, दूसरी बात हम ये करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर हमें करना क्या होगा कि हमें वो ब्लैंक नहीं छोड़ देना होगा। तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन से संबंधित कोई फिगर आपके दिमाग में आ रहा हो, उस क्वेश्चन से संबंधित कोई फार्मूला आपको याद आ रहा हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप केवल ब्लैंक छोड़ के चले आएंगे तो फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अब जो भी आप फिगर बना रहे हैं, जो भी फार्मूला लिख रहे हैं, तो वो उस क्वेश्चन से रेलिवेंट होना चाहिए, उससे मिलता होना चाहिए। पता चला फार्मूला आपका इंटीग्रेशन का लगना, आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा वहाँ लिख के आ रहे हो, है ना। अब ये तो इतने तो आप होशियार हो ही कि सपोज़ करो ये तो आपको पता है कि किस चैप्टर से पेपर सवाल आया है, तो उससे रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर मतलब उसमें फॉर्मूले आप लगा सकते हैं। जब आपको कब ये करेंगे, जब आपको क्वेश्चन कतई नहीं आ रहा है, एक आप आ ही नहीं पा रहा उसमें, खाली नहीं छोड़ना हमें। दूसरा, प्रेजेंटेशन सबसे बेहतर करना, प्रेजेंटेशन साफ़ सुथरा होना चाहिए एकदम, है ना। कटिंग ओवर राइटिंग से हमें बचना है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान से पेपर, मैथ के पेपर के लिए ज़रूरी है। बाकी पेपर तो आपका अच्छा ही होने वाला है। थैंक यू।